Hello dear students, I hope you all are well. Today we will start chapter number 1, class 12th biology. The chapter name is reproduction in organism. Before starting any of chapter, we should keep three things in our mind. Number 1, what is the name of the chapter? What is the meaning of the chapter and why we are studying this chapter? Why this chapter is mentioned in your book? हमारा जो सब्जेक्ट है वो साइंस है एंड साइंस यू नो इट इज़ अ लॉजिकल सब्जेक्ट जो हर चीज़ को लॉजिस्टिकली लेता है, ठीक है, हमें उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि व्हाई इट इज़ हैपनिंग सो. तो रिप्रोडक्शन इज इन ऑर्गेनिज्म, ये तो हो गया हमारा चैप्टर नेम. मीनिंग ऑफ द चैप्टर रिप्रोडक्शन, एज यू नो दैट व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है. टू प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म लाइक इट्सेल्फ, तो उसको बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन व्हाई वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, देखो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है. अगर कोई एक न्यू स्पीशीज है, कोई से भी न्यू नहीं, कोई से भी एक स्पीशीज है, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगी तो उसकी जनरेशन आगे की तरफ ग्रो नहीं करेगी. जनरेशन ट्रांसफ़र नहीं होगी आने वाले टाइम में. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी एक स्पीशीज़ वो रिप्रोडक्शन नहीं करती है तो वो एग्जिस्ट आगे लंबे समय तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी. तो लंबे समय तक स्पीशीज़ को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, और रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. एंड रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है. जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, दिस इज़ द वन ऑफ द फीचर ऑफ लिविंग थिंग, ठीक है. एंड इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फीचर. लिविंग थिंग जो है वो अपने आप को कंटिन्यूस फॉर्म में बनाए रख सकती है, अपने आप को एग्जिस्ट रखती है, किसकी वजह से, रिप्रोडक्शन की वजह से. अब आता है हमारे इस चैप्टर में, हम जो है बहुत बेसिकली जो बेसिक चीज़ें होती है बायोलॉजी की या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है वो प्रॉपर रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. नंबर 1, क्लोन. अगर हम बात करें क्लोन, आपने अगर रोबोट मूवी देखी होगी तो रोबोट जो है वो जो चिक्की जो था वो जो हाँ कौन से सर थे चिक्की को जिसने बनाया था, एज इट इज़ वो एक दोनों एक जैसे दिखाई देते थे, ठीक है. तो दोनों एक जैसे जो दिखाई देते थे दैट इज़ क्लोन. अगर दो चीज़ें एक जैसी दिखाई दे, एक तो ओरिजिनल है और दूसरा उसकी कॉपी है, तो जो कॉपी होगी दैट इज़ क्लोन. जो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, अच्छा जो चिक्की था रोबोट था वो जेनेटिकली सिमिलर नहीं था. जेनेटिकली क्यों, क्योंकि उसके अंदर जीन्स नहीं थे. अब जीन्स क्या होते हैं ये मैं नहीं बताऊँगी, जीन्स आपको पता है. फिर भी जीन जो है वो हमारी हेरिडिटरी यूनिट होती है, जो हमारे कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करती है, जेनेटिकल कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो जीन्स होती है. तो जीन्स भी होना ज़रूरी है, मतलब दो लिविंग बींग जो बिल्कुल हूबहू आइडेंटिकल हो, एक जैसी हो, उसको हम बोलेंगे क्लोन. मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से देखने पर, और जेनेटिकली इंटरनली स्ट्रक्चर भी उसके क्या हो, सिमिलर हो, उसको हम बोलेंगे क्लोन. अब बात आती है हमारे पास जुवेनाइल फेज. किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ फेज होती है, जैसे छोटा बच्चा होता है दैट इज जुवेनाइल फेज, क्योंकि वो उसकी ग्रोइंग फेज होती है, उस समय वो ग्रो कर रहा होता है, मैच्योर हो रहा होता है, तो दैट इज जुवेनाइल फेज. अब आता है हमारे पास माइटोसाइट. माइटोसाइट क्या होगी, जो मियोसिस में, ऐसी सेल्स जो मियोसिस में पार्टिसिपेट करेगी उसको बोलेंगे माइटोसाइट्स. और आपको पता है माइटोसाइट्स मियोसिस प्रोसेस जो होता है वो किस में होता है, ओनली रिप्रोडक्टिव सेल्स में, ठीक है. जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव मदर सेल है वही जो 2N होती है, डिप्लॉइड होती है, वही क्या करती हैं मियोसिस, उनके अंदर ही मियोसिस डिवीज़न प्रेजेंट होता है और आगे जाके वो क्या बनाती है, गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है. पेरिकार्प, व्हाट इज़ पेरिकार्प, किसी भी फ्रूट की आउटर कवरिंग होती है, जैसे कि एप्पल हो गया, एप्पल का जो छिलका आप उतारते हो दैट इज़ पेरिकार्प, ठीक है. किसी भी फ्रूट की आउटर कवरिंग जो है वो पेरिकार्प है. उसके बाद जो उसका पेरिकार्प के बाद जो कवरिंग होती, जो लेयर होती है, कवरिंग तो नहीं बोलेंगे, जो लेयर होती है दैट इज़ मीजोकार्प. और सबसे अंदर की जो लेयर होती है किसी भी फ्रूट की वो होती है एंडोकार्प. पार्थिनोजेनेसिस, आपको पता है जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इट इज़ फर्टिलाइजेशन.
ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जायगोट बनता है, जायगोट डेवलप होता है और वो एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। और एम्ब्रियो जो है वो प्रॉपर बेबी प्लांट या बेबी एनिमल कुछ भी बना सकते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। बट नए ऑर्गेनिज्म का या फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बन गया, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न नहीं हुआ, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बन गया है, तो उसको हम बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। रोटीफर्स, हनी बीस, टर्की, कुछ लिजार्ड जो है, सेक्सिकोला लेमार्कियाना एक लिजार्ड का नेम है जो कि पार्थेनोजेनेसिस करती है, उसमें जो मेल लिजार्ड होती है वही क्या कर लेती है, नए बच्चों को प्रोड्यूस कर देती है, तो उसको बोलते हैं हम बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है, उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। उसके बाद आता है मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट ऐसे प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट हो, उसको हम बोलते हैं मोनोशियस प्लांट, ठीक है, जिसमें मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर एक ही फ्लावर के अंदर आप बात कर सकते हो, या प्लांट के अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, उसको हम बोलेंगे मोनोशियस, ठीक है, जिसको बाइसेक्सुअल भी बोल लेते हैं हम। उसके बाद आता है डायोशियस। डायोशियस का मतलब होता है जिसमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग हो, उसको बोलते हैं हम डायोशियस, ठीक है, मेल और फीमेल फ्लावर सेपरेट सेपरेट प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली जो प्लांट्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, मोनोशियस होते हैं, डायोशियस प्लांट्स बहुत कम प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है पपाया है, डेट प्लांट है, कुकुम्बर है। एस्ट्रोसाइकिल क्या है, एस्ट्रोसाइकिल एक रिप्रोडक्टिव फेज है, रिप्रोडक्टिव साइकिल का एक पार्ट है जो कि नॉन प्राइमेट्स में प्रेजेंट होता है। नॉन प्राइमेट्स, अब आता है यहाँ पर नया वर्ड्स, नॉन प्राइमेट्स क्या होता है, तो नॉन प्राइमेट्स को समझने से पहले हम समझते हैं प्राइमेट क्या है, ठीक है, प्राइमेट क्या होंगे। प्राइमेट में आता है, हम एग्जाम्पल से आपको आइडिया लग जाएगा, प्राइमेट्स में आते हैं मंकीज, लेमूर और ह्यूमन बींग्स। जो मंकी वाली वैरायटी होती है ना वो सब प्राइमेट्स में आती है और ह्यूमन बींग, तो ह्यूमन हमारे और अदर एनिमल्स के बीच में क्या डिफरेंस है कि वी आर यूजिंग आवर हैंड्स, ठीक है, हम हमारे हैंड्स यूज़ कर रहे हैं, हमारी क्रेनियल कैपेसिटी ज़्यादा होती है, हम थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं चीज़ों को, तो वो होते हैं प्राइमेट्स, ठीक है। और दूसरा थर्ड जो डिफरेंस है वो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्राइमेट्स के अंदर प्रॉपर मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट होती है जबकि नॉन प्राइमेट्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रेजेंट नहीं होती है। नॉन प्राइमेट्स में इंसेक्ट भी आ गए, काउज भी आ गए, बर्ड्स भी आ गए, इंसेक्ट नहीं लेंगे अभी हम क्योंकि हम जो कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं। इसमें कौन कौन आ गए, रेप्टाइल्स भी आ गए और एवीज बर्ड्स भी आ गए और ये क्रोस, क्रो हो गया, काउ हो गया, ये सब किस में आ रहे हैं, नॉन प्राइमेट्स में आ रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं नॉन प्राइमेट्स। और प्राइमेट्स के बीच में आपको डिफरेंस बता दिया, इनके अंदर स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, मतलब स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में ही ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो रिप्रोडक्शन करने के लिए एक स्पेसिफिक साइकिल होती है, उस समय ही उस टाइम पर ही इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो प्रॉपर काम करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसको उस टाइम पीरियड को बोला जाता है एस्ट्रस साइकिल। और ये किसके अंदर प्रेजेंट होती है, शेप प्लेट्स, डियर, डॉग्स, टाइगर्स, आपने देखा होगा जो हमारे बायोलॉजिकल पार्क्स होते हैं, जो सेंचुरीज होती हैं वो पर्टिकुलर टाइम के लिए बंद कर दी जाती है, दैट इज़ अ ब्रीडिंग पीरियड ऑफ टाइगर्स, ठीक है, लायंस का वो ब्रीडिंग पीरियड होता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि टाइगर्स और जो अदर एनिमल्स होते हैं वो नॉन प्राइमेट्स हैं और नॉन प्राइमेट्स के अंदर स्पेसिफिक टाइम पीरियड ही में ही वो उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल में एक फेज ऐसा आता है जब वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, वो उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं एस्ट्रस साइकिल। द सेक्शुअली एक्टिव फीमेल रेफर टू अ टू एज अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ एस्ट्रस साइकिल, ठीक है, जो सेक्शुअली एक्टिव फीमेल होती है उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, वो पर्टिकुलर टाइम पर उसको उस साइकिल को बोला जाता है एस्ट्रस साइकिल, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू टाइप का होता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। नंबर वन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली वन पेरेंट इज टेकिंग पार्टिसिपेशन, इट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
जैसे कि अगर हम बात करें बाइनरी सिंगल सेल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं उसको हम बोलते हैं सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमोइबा पैरामीशियम। इनके अंदर जो मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज़ बाइनरी फीजन, मतलब ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं और दो नई सेल्स का डेवलपमेंट हो जाता है, उसको बोला जाता है बाइनरी फीजन। एल्गी, फंगी एंड मल्टी सेलुलर लोअर एनिमल्स और लोअर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर जूस्पोर बनते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास इसका एग्जाम्पल है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है वो आपको पता है किस ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट से नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, जनरली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इट इज रेफर दिस वर्ड रेफर्स टू द प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है ये, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसमें रूट और स्टेम और लीफ के थ्रू अगर न्यू प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जैसे कि कौन हो गया, रोज प्लांट हो गया। तो मल्टीपल फीजन में एक कोई ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, कॉनिडिया के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, जैमिल के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ठीक है, स्पायरुलेशन के थ्रू। इनके थ्रू वो क्या करेगा, एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो उसको बोलते हैं हम मल्टीपल फीजन। जैसे कॉनिडिया से होता है पेनिसिलियम में, बडिंग से होता है हाइड्रा में, फ्रेगमेंटेशन स्पायरो वगैरह में होता है, स्पायरुलेशन अमोइबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, और रीजनरेशन जो होता है वो हाइड्रा एंड प्लेनेरिया में होता है, ठीक है। ये जिनके अंदर रीजनरेशन होता है, हाइड्रा अमोइबा ये ऐसे एनिमल हैं जो कभी भी नहीं मरते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फेवरेबल एंड अनफेवरेबल दोनों कंडीशन में ये रिप्रोडक्शन कर लेते हैं और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाते हैं। राइजोम हो गया, राइजोम जो है, राइजोम क्या है, इट इज़ द स्टेम, राइजोम इज ए स्टेम विच डेवलप बीनीथ द अर्थ, जो अर्थ के अंदर सॉइल के अंदर डेवलप होता है उसको बोलते हैं राइजोम। जैसे कि जिंजर हो गया और पटेटो हो गया, दीज ऑल आर राइजोम जो कि स्टेम ही हैं। शक्कर हो गया, बनाना, ऑफसेट, वाटर हाइसेंट, बल्ब, ये सब तरीके हैं कि किस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम गैमेट ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।